नमस्कार दोस्तों, हाल ही में चल रहे ऑटो एक्सपो 2020 में एमजी ने अपनी स्मॉल इलेक्ट्रिक कार E200 को पेश की और ये दोस्तों भारतीय बाजारों में इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार एक ऐसे प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हो रही है जो भारत की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस गाड़ी की पूरी ओवरव्यू और इस गाड़ी की क्या प्राइस होने वाली है, क्या क्या इसके अंदर देखने को मिलेगा, सारी चीज़ों को जानने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिज़ाइन वाइज। तो डिज़ाइन वाइज ये छोटी सी स्मॉल इलेक्ट्रिक कार है जिसको शहर के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों इस आप इलेक्ट्रिक कार को एक बार में फुल चार्ज करके लगभग 250 किलोमीटर तक का शानदार रेंज ले पाएंगे। दोस्तों बात की जाए इसकी टॉप रफ्तार की, तो इसके अंदर आपको 60 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे का टॉप रफ्तार देखने को मिलता है और इसमें आपको लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाती है जिसको आप दो तरीके से चार्ज कर सकेंगे। पहला होता है नॉर्मल होम चार्जिंग, मतलब कि घर के चार्जर से आपको लगभग 6 से 7 घंटे लगने वाले हैं, उतने देर में आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो उसे फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन कंपनी से देगी, लेकिन फास्ट चार्जिंग इंडिया में अभी उतनी अवेलेबल नहीं है, तो होम चार्जिंग मेरे ख्याल से ज़्यादा सूटेबल दिखती है इंडियन कंडीशन के लिए। सो गाड़ी में दो लोग के लिए बैठने की जगह देखने को मिलती है। गाड़ी मिडिल हैंड ड्राइव वेरिएंट में आती है और ये बावजून E100 का सक्सेसर मॉडल है जो कि हमें अभी 2017 में लॉन्च हुई थी चाइना में, लेकिन E200 MG की तरफ से आ रही है। हालांकि ये बावजून की कार थी, लेकिन MG बावजून ने कोलैबोरेट करके इंडिया में इस कार को लॉन्च करने का फैसला किया है। इस गाड़ी की लुक्स काफ़ी डैशिंग लग रही है। पीछे की तरफ आप जो लाइट देख रहे हैं ना, ये रेड कलर की लाइट्स दिख रही है, ये इस गाड़ी के शान को 4 गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। और गाड़ी की डिज़ाइन वाइज बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा मुझे बेहतर लगी है, दो लोग काफ़ी आराम से बैठ सकेंगे। अब दोस्तों देखना होगा MG जो कंपनी है ये इस कार को कब मार्केट में उतारती है। वैसे तो एक्सपेक्टेशन यही है 2021 के लास्ट में उतारेगी की, क्योंकि यार 2020 में इसको लॉन्च करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बात होने वाली है कंपनी को, क्योंकि हम सब जानते हैं MG चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है और चाइना में जो इस समय हाल है वो वायरस वगैरह, तो यार इसलिए थोड़ा सा इसमें मुश्किल लगता है। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2021 के बीच में या फिर 2021 के शुरुआत में ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी इंडिया में। कीमत लगभग आकी जा रही है 4 लाख 6 लाख रुपए तक के बीच में इसके बीच प्राइस होने वाली है, जो कि आम आदमी के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। पर भाई काम यही ख़त्म होने वाला नहीं है, हमारे देश की शान महिंद्रा एटम उसके सामने एक ढाल बनकर खड़ी हुई है। ये बहुत भयंकर कॉम्पिटिशन देगी इस गाड़ी को, और महिंद्रा एटम का रिव्यू देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पर जिस प्राइस पे ये 2 सीटर दे रहे हैं, महिंद्रा एटम हमको 4 सीटर देखने को मिलता है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये गाड़ी पसंद आ रही हो तो यार लाइक कीजिए, कमेंट करें अपना बॉक्स, नहीं पसंद आ रहा है तो भी लाइक कर दो यार, क्योंकि यार वीडियो बनाया है इतने मेहनत करके उसके लाइक बनता ही है। और चैनल पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय। आई एम सब्सक्राइब ईवी वर्ल्ड।